10, 12, 21, 31, 35, 39, 42, then 53, 54, 55, 56, ये स्टे के मुतलक है, प्रिवेंटिव रिलीफ के मुतलक है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट कंप्लीट. नेक्स्ट लिमिटेशन एक्ट सेक्शन 5 एंड 14, वेरी इंपॉर्टेंट. बार बार क्वेश्चन आता है, दोनों के डिफरेंस का भी आ जाता है, दोनों के बारे में पूछा जाता है. देन सेक्शन 12 एक्सक्लूजन ऑफ टाइम, फिर सेक्शन 19 एक्नॉलेजमेंट, बस यही ज़्यादा जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, दीज आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट. नेक्स्ट सीआरपीसी सेक्शन 4 डेफिनेशन, सेक्शन 6 क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स, देन सेक्शन बाई ए बाई बी जो बड़ी पिटिशन आती हैं. नेक्स्ट सेक्शन 28, 29 ये जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट्स. नेक्स्ट 32, 33, 34, 31 भी. नेक्स्ट सेक्शन 54 व्हेन पुलिस कैन अरेस्ट विदाउट वारंट. नेक्स्ट 87, 88 नहीं कोई आया जिटर नहीं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बात कर रहे हैं, बाकी तो सारे प्रोविजन की अपनी जगह अहमियत है, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ 87, 88 वेरी इंपॉर्टेंट. देन 100 के साथ मिला के पढ़ना है, 491, 552 आमतौर इकट्ठा सवाल आता है इम्तिहान में तीनों के बारे में. नेक्स्ट वन ज़ीरो सेवन, 106, 151, नेक्स्ट 154, 155 वेरी इंपॉर्टेंट. बार बार एग्जाम में सवाल आता है, बार बार एग्जाम में सवाल आया हुआ कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन 154, 161 एंड 164. 154, 161 एंड 164 तीनों का आपस में क्या डिफरेंस है. देन 167, देन 172, 173, देन 174, 174A ये इंक्वायरी वगैरह के मुतलक है. देन 176 कब्र कुशाई वगैरह के मुतलक. नेक्स्ट 190 वेरी इंपॉर्टेंट कॉग्निजेंस. 190 से आनवर्ड जो है 193, 194, 192 ये समझें आप 199 तक जो है ये दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. ये हर एक को अपनी जगह और ये प्रैक्टिकल लाइफ में भी बड़े इंपॉर्टेंट है सेक्शन. आम तौर पर हम ये नहीं पढ़ते तो केस साल आ साल तक चलते रहते हैं. मसलन यहाँ कॉग्निजेंस के मुतलक है कि जैसे गुजनाक एलिगेशन वगैरह है तो उसके खिलाफ नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस अनलेस द कंप्लेंट इज लॉज बाय द हस्बैंड बिकॉज ही इज द मेन अग्रीड पर्सन. लिहाजा इन प्रोविजन को हर जगह बड़ी इंपॉर्टेंट हैसियत है, लेकिन खास तौर पर उनमें 190, 193 एंड 194 कॉग्निजेंस बाय द मजिस्ट्रेट, कॉग्निजेंस बाय द सेशन एंड कॉग्निजेंस बाय द हाई कोर्ट ये तीन प्रोविजन जो हैं वो खास तौर पर ये इंपॉर्टेंट है. देन कंप्लेंट
200 से 203 तक, आगे ए बी सी भी हैं उसके, ये सारा जने चैप्टर। नेक्स्ट 221 चार्ज वाला है, वेरी इंपॉर्टेंट, 221 से 240 तक हो ही नहीं सकता इम्तिहान में सवाल ना आए, कोई इम्तिहान होगा ज़रूर सवाल आएगा, ये पॉसिबल ही नहीं है कि चार्ज से सवाल इम्तिहान में ना पूछा जाए। नेक्स्ट ट्रायल बिफोर मजिस्ट्रेट, ट्रायल बिफोर सेशन, समरी ट्रायल, तीनों बड़े इंपॉर्टेंट हैं, कोई ना कोई कभी आपसे मर्डर ट्रायल पूछ लिया जाएगा, एएससी के स्टूडेंट हैं, कभी सेशन ट्रायल का नाम उसको दे दिया जाएगा, पीछे तो समरी ट्रायल का पूछा था, ये तीनों जो है इनमें बारा कोई ना कोई सवाल किसी ना किसी इम्तिहान में सवाल आ जाएगा। उसके बाद जाके चार से आगे ट्रायल हो गया, देन 340-342 दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। उसके बाद फोर पहले मैं बता गया हूँ सारा, उसके बाद जो बेल है 497, 496, 498, टेंडर ऑफ पार्डन इम्तिहान में कम आता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, 403 डबल जेपर्डी कम आता है एग्जाम के लिहाज से, उससे ज़्यादा जो सवाल इम्पॉर्टेंट है वो 408, 410, 417 अपील अगेंस्ट कन्विक्शन, मजिस्ट्रेट की कमीशन अगेंस्ट, सेशन की कमीशन के अगेंस्ट, अपील अगेंस्ट एक्विटल और क्रिमिनल रिवीजन 435, 439, 438, 439 ए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद 509, 510, 512, 512 जनरली ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रोविजन्स हैं, यानी ये आपके अगर ये आपको आती होगी तो ये नहीं हो सकेगा कि आपके सीआरपी से का कोई सवाल रह जाए, मगर देर इज़ अ चांस कि एक रह जाएगा तो बाकी आपको तीन आते होंगे। इसके बाद पीपीसी है, कुछ सवाल ऐसे हैं कि वो उनको कोशिश करनी चाहिए हल ना करें, 529-530 का हल करने का मकसद है कि तमाम प्रोविजन आपको ज़बानी याद हो, ड्यू टू विच द प्रोसीडिंग विशिएटेड आर नॉट विशिएटेड, यानी वो रट्टे से आपको टेस्ट पर याद हों तो वो सवाल हल करना चाहिए, तो आम तौर पर वो ज़बानी हिफज नहीं होती, तो आप जैसे एक खाली विशेड तो नाट विशेड लिखा कि अगो जिम्मे मैं कह अंग्रेजी दैसे तो चौं लैना तो बाद अंग्रेजी मुक जानी है, ये भी मुक जानी अगो पूर्वी ना जबानी याद कोई नहीं होनी, तो लिहाजा उस चक्कर में कोशिश करनी चाहिए कि ना पढ़े, हाँ अगर कर सकते हैं तो कर लें, लेकिन नॉट ईजी जॉब, शायद वो प्रोविजन करने की बजाय आप और जो है कोई 30 प्रोविजन कर लें तो वो शायद फिर भी ना याद हो, उसके अलावा बाकी 30 आप याद कर लें, तो ये इस वजह से कुछ मैं जो इंटेंसली वो छोड़ देता है आदमी के भाई जो है एक प्रैक्टिकल उनके लिए नॉट ईजी जॉब, तो वैसे भी एग्ज़ाम में कभी कभी आता है, इतना ज़्यादा आता भी नहीं है, उससे ज़्यादा बेल का सवाल देखे तो शायद हर दफ़ा आया हुआ होगा, चार्ज का सवाल जो है हर दफ़ा आया हुआ होगा, वो अगर 5 साल के पेपर पढ़े 7 साल के तो वो एक दफ़ा आया हुआ होगा, तो चार्ज का हर साल आया हुआ होगा, तो फिर उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए जो हर साल आता है, बजाय इसके आप दूसरे पर चले जाएं। नेक्स्ट ही पीपीसी, पीपीसी के लिए सेक्शन 34, नेक्स्ट 34, 149 का डिफरेंस, बार बार क्वेश्चन आया कॉमन इंटेंशन कॉमन ऑब्जेक्ट का। नेक्स्ट जनरल एक्सेप्शंस का सवाल बार बार आता है, ये हो नहीं सकता जनरल एक्सेप्शन के चैप्टर से कोई सवाल ना आए, काइंड्स ऑफ पनिशमेंट सेक्शन 53 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा जाता है काइंड्स ऑफ पनिशमेंट्स सेक्शन 53, जनरल एक्सेप्शन के चैप्टर में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस 96-106 पीपीसी,
दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बार बार सवाल आता है, शायद ही कोई एग्जाम हो जिसमें राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का सवाल ना आए, या बार दफ़ा सवाल आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय जनरल एक्सेप्शंस, डिस्क्राइब 5-4 जनरल एक्सेप्शंस. ये उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका काइंड्स ऑफ फॉल्स एविडेंस, फैब्रिकेटेड फॉल्स एविडेंस 191, 192, 193 पीपीसी. देन काइंड्स ऑफ मर्डर वेरी इंपॉर्टेंट, शायद कोई इम्तिहान हो जिसमें सवाल ना है, हर दफ़ा आता है, कभी कोई दो पूछ लेगा, कभी चार पूछ लेगा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आगे स्पेसिफिकली वो 302 पर ही सवाल करता है बार बार कि अंडर व्हाट सर्कमस्टांसिस पनिशमेंट कैन बी अवॉर्डेड अंडर सेक्शन 302 सी पीपीसी, जो कि मेजॉरिटी जजेस को भी नहीं पता, वकला को भी नहीं पता, क्योंकि पुराने कोडिफाइड लॉ जो पीपीसी अंग्रेज वाला था उसमें तो ये क्लियर था कि उसमें दो टर्म बोली जाती, कल्पेबल होमोसाइड अमाउंट टू मर्डर एंड कल्पेबल होमोसाइड नेट अमाउंट टू मर्डर, और कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंट टू मर्डर जो था उसमें अब 302 सी है, यानी सडन फाइट एक्सीडिंग द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस. ये एक मैं लफ्ज़ बोलता होता हूँ स्टूडेंट को पढ़ाते हुए, सीड्स SEDS, जब इसमें केस फॉल करे तो फिर सजा 302 सी में हो. 1S स्टैंड फॉर सडन फाइट, नेक्स्ट E स्टैंड फॉर एक्सीडिंग द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एंड कमिटेड कत्लेमन, अगला एक्सीड एक्सीडिंग द पावर बाय ए पब्लिक सर्वेंट वाइल परफॉर्मिंग ऑफिशियल ड्यूटीज एंड कमिट मर्डर कत्लेमन, देन 302 सी. डी डेथ विद कंसेंट, अगला एस सडन प्रोवोकेशन. सडन प्रोवोकेशन जो है वो जो गैरत वाली है, आनर किलिंग वाली है, उसको अब प्रोवाइजो के तहत एक्सक्लूड कर दिया गया, लेकिन दीगर सडन प्रोवोकेशन सिर्फ 302 सी में है. मतलब किसी के वालद का को गंजा करके खोते पर बैठा दे तो लाजमी बात है वो गैरत में आएगा कि मेरे वालद को ये कर रहा है, वो कत्ल कर देगा, तो दैट इज़ नॉट दैट इज़ आनर किलिंग. बट वहाँ करोकारी स्याकारी जो प्रोवाइजो के तहत एक्सक्लूड की गई है, दैट इज़ करोकारी स्याकारी, यानी जो विमेन आनर किलिंग है, जो ज़रा के केसेस में जो आनर किलिंग है उसको एक्सक्लूड किया गया, बाकी नहीं एक्सक्लूड की गई. बाकी जो स्टिल है वो सडन प्रोवोकेशन, दैट इज़ विद इन दैट. इसके बाद जो नेक्स्ट है इसी में आगे फिर 304, व्हेन पनिशमेंट विल बी अवॉर्डेड अंडर सेक्शन 302 ए पीपीसी. व्हेन पनिशमेंट, ये इंटरव्यू का बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, 302 ए कब सजा होगी, 302 बी में कब सजा होगी, 302 सी में कब सजा होगी, फिर 304, 305 वली की डेफिनेशन क्या है, फिर 308, 309, 310 वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन ये 306 से लेकर 314 तक एग्जाम के मतलब ये हैं प्रोविजंस, 308, 309, 310 इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में दीज प्रोविजंस आर रिडंडेंट. एज इफ पनिशमेंट विल बी अवॉर्डेड अंडर सेक्शन 302 ए पीपीसी देन दीज प्रोविजन विल अप्लाई, अदरवाइज दीज प्रोविजन विल नॉट अप्लाई. और 302 ए में सजा कब होनी है, वेन प्रूफ लाइबल टू कसास इज अवेलेबल अंडर सेक्शन 304 पीपीसी. और वो क्या है, अक्यूज मेड ए वॉलंटरी एंड ट्रू कन्फेशन बिफोर द ट्रायल कोर्ट, जो कि जल्दी आपको पता है कोई नहीं करता कन्फेशन ट्रायल कोर्ट के सामने. और दूसरी तस्कियत तो शहूद एविडेंस अवेलेबल एज पर आर्टिकल 17 ऑफ कानून शहादत, और वो भी जल्दी तस्कियत तो शहूद के म्यार पर उतर पूरा को नहीं उतरता, इसलिए वो भी नहीं. नेक्स्ट कहाँ थे, किस जी, हाँ कत्ल काइंड्स ऑफ कत्ल. नेक्स्ट जो है इसमें डिफरेंस बिटवीन थेफ्ट एक्सटॉर्शन रॉबरी डकैती,
जी हार्ट के चैप्टर को नहीं टच करना चाहिए, बस इतना करना चाहिए कि थोड़ा जब पता चल जाए, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू पर नहीं जाना चाहिए। वजह कि हार्ट की दफात सारी उतनी है, सारी पीपीसीओ से कम है, मतलब सारी पीपीसीओ को एक साइड पर ले आए, ठीक है, मतलब सवाल देगा तो एक ही देगा ना, ठीक है, तो एक सवाल की खातर आप सारी पीपीसी को छोड़ दें, उस पर इतनी तवज्जो दे, तो पता नहीं मुड़ भी तैयार होनी है कि नहीं होनी। और यही ने एक किस्म की ज्यादती भी की है, यानी पुराना जड़ा इंग्लिश लॉ सी, जल्द लड़ाई झगड़ा होंदा सी ते जट जाते पुछते सन कि नतीजा 24 का मिली, 25 का मिली, 26 का मिली, ठीक है, ये त्रै दफात में था, यानी हर बंदे को पता था, लेकिन अब ना किसी जज को पता लगता है, ना किसी वकील को पता लगता है कि कौन सी दफात है। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इन प्रोविजन के चक्कर में पढ़ना बेवकूफ़ी है, यानी देखे ना, एक साइड पर पूरी पी पी सी रख लें, एक पर खाली आप 334 से लेना है आपने, 334 से लेकर 337 तक ये सारी इतनी दफात हैं कि जो पी पी सी में एक साइड पर रख दें, को एक साइड पर रख लें, वह थोड़ा बहुत कंसेप्ट होना चाहिए। मैं इतना ज़्यादा डीप जाके बात कर रहा हूँ, इतना मसलन ये देखे ना शज्जा, ये पता होना चाहिए कि दिस इंजरी इज एट हेड एंड फेस। अब कितने वकील ने जेडे 337 ए फोर दसन गए कदम फाल करेगा तो की तारीफ होती, किन्ने वकील ने जेडे ए फाइव दसन गए ए थ्री दसन गए, दिस इज वेरी वेरी एक्सेप्शनल, आनी चाहिए, ये मैं नहीं कह रहा कि ना करें, लेकिन पहले दूजा सारा पीपीसी तो कर लो ना, तो जो फिर टाइम बचे तो भी कर लगे, मतलब बाकी दे नॉट एट द कास्ट ऑफ अदर पीपीसी, ये जिन्हें मैं जी हल्ट कर लिया ने तो ना, बाकी कतल दिया कैंड हुई ने ना दिगर हुई ने, तो इस वास्ते करना है बेसिक कंसैप्ट वो आने चाहिए आप। मसलन बेसिक कंसैप्ट क्या है कि इंजरी ऑन हेड एंड फेस, ये 337 एक एक ही कैटागरी में आए, आगे कौन सी कैटागरी है वो तो ना डॉक्टर को पता लगता है, तो ना वकीलों को पता लगता है, तो ना जजों को पता लगता है, बहरहाल कर सकते हैं तो कर लेना। नेक्स्ट द जुर, जुर इज ऑफ टू काइंड, जैफा एंड गैर जैफा, जैफा बॉडी कैविटी उसको कवर जो उस पर, गैर जैफा इंजरी ऑन अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, मतलब बाजू पर है, टांगों पर है, टांग तोड़ दी है, बाजू तोड़ दिया है, तो ये 337 एफ की कैटेगरी में आए। आगे कौन सी है, ए रोड़ा है, कम अज कम मुझे तो नहीं आती जबानी, ठीक है, लिहाजा आप जरूर करें अगर कर सकते हैं, लेकिन पहले दूजियां कर लेना, ए नाल फिर ना तो टाइम रखना, लेकिन इतना जो बेसिक कंसेप्ट है वो आना चाहिए। फिर आगे जो किडनैपिंग और अबडक्शन, बार बार एग्जाम में सवाल आता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, 359, 360, 361, 62 आगे जानवर्ड हैं सारे, आगे पनिशमेंट आ जाती है, वो मेन कंसेप्ट पूछता है डिफरेंस बिटवीन किडनैपिंग एंड अबडक्शन, वो आपको ज्यादा है उस पर यानी ज्यादा फोकस करना है। उसके बाद आगे डिफरेंस बिटवीन थेफ्ट एक्सटॉर्शन रॉबरी एंड डकैती, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिस तरह काइंड्स ऑफ कत्ल इंपॉर्टेंट है उसी तरह ये चारों इंपॉर्टेंट है, हर दफा इम्तिहान आ, कभी दो का फर्क पूछ लेगा, कभी चारों पूछ लेगा, कभी खाली थेफ्ट पूछ लेगा, लेकिन ये नहीं हो सकता कि इस पोर्शन में से चारों में से इम्तिहान में सवाल ना आए, हर सो आएगा। देन क्रिमिनल म्यूनिसिपल प्रॉपर्टी एंड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट 403, 405, साथ इसकी पनिशमेंट भी, क्योंकि लास्ट टाइम उसने सवाल आगे 406, 407, 408, 409 को सेपरेट करके भी उसने पूछ लिया है, और ख़ास तौर पर क्योंकि आपका एमसीक्यू भी है तो एमसीक्यू में भी वो सवाल पूछा जा सकता है। चलें जी, मैं भी यही कह रहा हूँ ना जी, मुझे नहीं पता पीछे पूछे गए कि नहीं पूछे, मैं तो जनरल आपको बता रहा हूँ,
यानी किसी एक एग्ज़ाम को छोड़ दें, मैं आपको ओवरऑल हर एग्ज़ाम के बारे में बता रहा हूँ कि ये सवाल इम्तहान में आने ही आना है। हो सकता है कभी थेफ्ट और एक्सट्रैक्शन का फ़र्क पूछे, कभी थेफ्ट और रॉबरी का पूछे, कभी थेफ्ट और डकैती का पूछे, लेकिन ये सवाल ये नहीं हो सकता कि इम्तहान में ना आए। नेक्स्ट जो है आपका 411 पीपीसी 412, दोनों का फ़र्क इंटरव्यू के लिए भी पूछा जाता है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है आपका, ₹511 PPC क्रिमिनल इंटिमिडेशन, ₹503, ₹506 डेफामेशन, ₹499, ₹500 बस ये इम्पॉर्टेंट प्रोविजन्स हैं पीपीसी, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। मसलन जस्टिस शेख रशीद साहब मेंबर पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन भी रहे, हाई कोर्ट के जज के तौर पर भी इंटरव्यू लेने जाते रहे, उनका सारा इंटरव्यू जो है आर्टिकल 2 पर मोहित होता था, यहीं से वो स्टूडेंट को आउट कर देते थे और यही जो स्टूडेंट आंसर कर जाता था, और वो एक किस्म की रट्टे वाली डेफिनेशन है, प्रूव्ड, नॉट प्रूव्ड, डिसप्रूव्ड, तो इनको आपने एक किस्म का रट्टे के तहत याद करनी है, क्योंकि ये जब एग्जामिनर डेफिनेशन तो फिर होती ही रट्टे से है ना, वो यानी उसके जब तक आप पूरा रट्टा ना लगाएं वो फिर आपका शायद आप कोई एक बात छोड़ दें तो वही फिर फैटल होती है, तो शार्ट से है कोई ज़्यादा नहीं है। तो बहरहाल दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हर इम्तहान में इसमें भी कोई ना कोई पोर्शन या सवाल जरूर आता है। आर्टिकल 3 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हु मे टेस्टिफाई, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट प्रिविलेज कम्युनिकेशन का कभी कभी आता है, ज़्यादा नहीं इम्तिहान में आता। देन आर्टिकल 16, 17 वेरी इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 16, 17 अकम्प्लिस है, 17 नंबर ऑफ विटनेसेस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार इम्तिहान में आता है। देन 18 से अनवर्ड जो चैप्टर है, आमतौर पर जो आजकल वो सवाल दे रहा है वो एडमिसिबिलिटी और रेलेवेंसी का दे रहा है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एडमिसिबिलिटी एंड रेलेवेंसी, और ये आर्टिकल 18 से अनवर्ड जो चैप्टर है, दिस इज ये सारा चैप्टर ये एडमिसिबिलिटी और रेलेवेंसी को है। ये जो आर्टिकल 18 है वो कहता है कि एविडेंस कैन बी गिवन ऑन फैक्ट एंड इशू आर रेलेवेंट फैक्ट, फैक्ट एंड इशू आर रेलेवेंट फैक्ट, ये फैक्ट एंड इशू और रेलेवेंट फैक्ट क्या है ये आर्टिकल 2 में उसने डिफाइन कर दिया हुआ है, लिहाजा इनके बारे में ये आपके इम्तिहान में भी ये सवाल ज़रूर आना है, चाहे ASJ के में आए चाहे सिविल जज में, यानी दोनों में ये सवाल ज़रूर पूछा, क्योंकि सबका 3, 4, 5 साल से लगातार ये सवाल इम्तिहान में पुट हो रहा है, क्योंकि ये चीफ जस्टिस मंजूर मलक साहब का ये फेवरेट क्वेश्चन था, वो इंटरव्यू में भी कई डेट पर सवाल ज़रूर करते थे, और जब तक वो जज लाहौर हाई कोर्ट रहे हैं उस दौरान जो ASJ का या सिविल जज का क्रिमिनल का पेपर था वो बनाते भी हुई थी, तो इसलिए और सर्टनली जब एग्जामिनर आपका पेपर सेट करता है तो आमतौर पर प्रीवियस पेपर जो है वो कौशल बरादरान को मंगा के तक लाट रख लेते थे, इस वास्ते जो पीछे इंपॉर्टेंट सवाल हैं वो आप भी सारे जो हैं प्रीवियस पेपर सारे आप भी रखा करें अपने पास और उनको वक्तन फक्तन पढ़े, जिस चीज़ के समय ना आए मेरी खिदमात हाजिर है, मेरे से पूछ लें, मलक साहब से पूछ लें। इसके बाद ये चैप्टर है, उसके बाद एडमिशन और कन्फेशन आर्टिकल 46, डाइंग डिक्लेरेशन, देन एक्सपर्ट 59, 60, 61, देन करेक्टर, देन काइंड्स ऑफ एविडेंस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट,
आम तौर पर जनरल क्वेश्चन करता है, उसमें ओरल एविडेंस भी है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी है, फिर प्राइमरी एविडेंस भी है, फिर सेकेंडरी एविडेंस भी है, 70 से अनवर्ल्ड जो है सारे, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, कोई 76 तक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें सारी कवर हो जाती हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन आर्टिकल 85 पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे साथ में प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स 86 है, वो वही जो पब्लिक नहीं है वो प्राइवेट है। नेक्स्ट आर्टिकल 117 वाला पूरा चैप्टर उनुस पुरबंदी का है, बर्डन अप्रूव अन होम बर्डन अप्रूव लाइज, पूरा सवाल ही इम्तिहान में वो देता है एग्जामिनर जब भी क्वेश्चन आता है। तो लिहाजा 117 टू 129 फिर पूरा याद करना है, अकेले से बात नहीं बढ़ेगी, कोई एक आध प्रोविजन से, और प्रैक्टिकल लाइफ में भी इसकी बड़ी अहमियत है, क्योंकि क्रिमिनल में भी बहरहाल ओनस पुरबंदी का एक प्रिंसिपल है कि किसने साबित करना है, सिविल में भी इशू फ्रेम करते हैं आप ओपीपी या ओपीडी, प्लेंटिव ने करना है या डिफेंडेंट करना है, तो वो भी सारा, और दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन दिस चैप्टर। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, इंटरव्यू से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ख़ास तौर पर आजकल इंटरव्यू में सवाल किया जा रहा है क्रिमिनल का कि वंस द जनरली वंस चार्ज इज डिनाइड सब्सिक्वेंटली अक्यूज एडमिट द एक्विजिशन बाई टेकिंग द प्ली कि जी मैंने राइट अ प्राइवेट डिफेंस में किया है, मैंने वो किया है। उस पर लेटेस्ट लॉ जो है वो ये आ गया है कि दैट प्ली विल नॉट बी सीन अनलेस द प्रोसिक्यूशन हैज़ टू प्रूव द केस बियॉन्ड एनी शेडो ऑफ डाउट। ये वो इंटरव्यू में ज़रूर सवाल करते हैं, और फिर सटनली अगर आप का ये आंसर गलत हो जाए तो वो फिर पास होना इंटरव्यू में मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए वो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो है एग्जामिनेशन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन, देन लीडिंग क्वेश्चन 136, 137, 138। नेक्स्ट मॉडर्न डिवाइसेस 164, ये मेन इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। और कौन सा रह गया है? कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एएसजे में सिविल जज में तो नहीं है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का पहला सवाल जो इम्पॉर्टेंट है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी। हर सूरत में इम्तिहान में सवाल आना ही आना है, ये नहीं हो सकता इम्तिहान में ना आए। हाँ, हो सकता है वो फंडामेंटल राइट्स पूछ के तो कहे कि डिस्क्राइब फोर फंडामेंटल राइट्स, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी एंड फंडामेंटल राइट्स। देन 62, 63 बर्थ रेट। देन जो सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल है, जिस में से दो सवाल हर सूरत में आने हैं, वो जुडिकेचर आर्टिकल 175 टू आर्टिकल 212 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। इसमें जो इम्पॉर्टेंट सवाल है, आजकल जुडिशल कमीशन की फॉर्मेशन भी आर्टिकल 175 ए में है, वो भी बार दफ़ा पूछ लेते हैं। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जेक्टिव आर्टिकल 175 है, इसके बारे में पूछा जा सकता है। देन जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है आर्टिकल 199 जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट, अंडर आर्टिकल 199 रेट पिटीशंस, 5 रेट पिटीशंस हैं और साथ बार है कि किन डिपार्टमेंट्स के खिलाफ रेट नहीं जारी की जा सकती। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये हो नहीं सकता इम्तिहान में आपका सवाल ना आए। देन जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कभी एक जुरिस्डिक्शन पूछ लेता है, कभी दो पूछ लेता है, कभी ओवरऑल सवाल करता है। आर्टिकल 184 ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 185 एपलेट जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 186 एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 186 ए ट्रांसफर ऑफ केसेस, आर्टिकल 187 सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड आर्टिकल 188 रिव्यू जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। देन कंटेम्प्ट
that is very important, 204. Then Supreme Judicial Council, 209, 210, 211, then 212. So these are important. Aage isme Council of Common Interest, Election Commission of Pakistan, ye right short notes ki surat mein puchta hai wo. Council of Common Interest, baqaida mukammal sawal nahi deta, yani wo koshish hoti hai ki ek sawal mein hi ye char panch cheeze puch le. Unme emergency provisions bas aise jo hain char panch aise hain, rule of law, independence of judiciary, where you want to become civil judge or judge or additional session judge, kisi ko pooch sakta hai. Justice delay, justice denied, khali justice, sorry ji ji, rule of law, independence of judiciary, khali justice, where you want to become civil judge ya judge ya additional judge, koi bhi ye nahi judge, usse mein cover ho jata hai. Where you want to become judge, then just delay, just denied, बस इन इन्हीं को फर्ज करें, कोई और भी मतलब जस्ट रश जस्ट क्रश हो तो वही जस्टिस डिले जस्ट डिनाइड, ये उससे दोनों लाजम मलजूम हैं, साथ साथ चलेंगे. तो हाँ, जुडिशल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, ये जुडिशल सिस्टम पाकिस्तान, जब खाली जस्टिस है तो उसमें भी आपने लिखना है, रूल ऑफ लॉ है तो उसमें भी लिखना है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है तो उसमें भी लिखना है. यानी ये दूसरे लफ्जों में एक ऐसे है, दीज आर नॉट फाइव और सिक्स ऐसे, दिस इज वन ऐसे. आपने एक को शुरू करना है, जो मर्जी में लिखते जाओ, सारा कुछ चाहिए. इस ऐसे को सबसे पहले तैयार करना है, बाकी जो है वो आपकी मर्जी है, जितने मर्जी तैयार कर. ये जो लिखवाए हैं यार, ये अभी लिखवाया नहीं है, आवाज नहीं पहुंची.